नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता आधार ज्ञान के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए रसायन विज्ञान की श्रृंखला का अगला भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें भी 20 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे। और आप लोग कुछ क्षण सोच लें प्रत्येक प्रश्न में कि कौन सा सही उत्तर होगा, मैं सही उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है विकल्प डी, रतनजोत। रतनजोत को जेट्रोफा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? सही उत्तर है विकल्प सी, 46%। तीसरा है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर विकल्प सी, सोडियम बेंजोइट। चौथा है, एस्पिरिन क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, एस्पिरिन एंटी पायरेटिक है। पांचवा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही उत्तर विकल्प सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। छठा है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दिए गए चारों विकल्पों में सभी बहुलक हैं, प्राकृतिक बहुलक हैं। सातवां है, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? सही उत्तर विकल्प सी, हाइड्रोजनीकरण। आठवां है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं? सही उत्तर विकल्प डी, उर्ध्वपातन। नौवां है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? सही उत्तर है विकल्प डी, पेट्रोलियम। वैसलीन पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद है। दसवां है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सही उत्तर इसका विकल्प सी, नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम उपग्रह है। ग्यारहवां है, दही के खट्टापन का कारण है? सही उत्तर विकल्प बी, लैक्टिकम। बारहवां है, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है? सही उत्तर विकल्प ए, तरल रूप में। खाना पकाने वाली गैस में जो गैस की आपूर्ति होती है वह तरल रूप में रहती है, लेकिन हम जैसे ही इसे सामान्य ताप या अवस्था में लाते हैं तो वह गैस में बदल जाती है। तेरहवां है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस है? सही उत्तर विकल्प ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। चौदह है, कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सही उत्तर विकल्प डी, फ्रुक्टोज। पंद्रहवां है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर विकल्प बी, एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होगा नींबू में, मौलिक अम्ल सेब में, फार्मिक एसिड चींटी के काटने पर। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही उत्तर विकल्प है ब्यूटेन। सत्रहवां, खट्टे फलों में पाया जाता है? सही उत्तर है साइट्रिक अम्ल। कौन सी प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सही उत्तर विकल्प बी, सेल्यूलोज। उन्नीसवां है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो सही उत्तर है मीथेन। बीसवां है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो सही उत्तर है ब्यूटेन। ये 19 और 20 नंबर कन्फ्यूजन पैदा करने वाले प्रश्न हैं। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन और एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो ये था 20 प्रश्न। आप लोग कमेंट करें कि आपने कितना सही किया। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।